स्कूटर को स्टार्ट करने से पहले ब्रेक और पावर बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। आई क्यूब में बैटरी परसेंटेज यहाँ पे बताता है और इसकी रेंज यहाँ पे बताता है और उसके ठीक नीचे स्कूटर का किलोमीटर बताता है, अभी तक स्कूटर कितने किलोमीटर चली है का एक प्लस पॉइंट जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस स्कूटर का। अगर आप इसको फुल चार्ज करके कंटिन्यू 80 की स्पीड में फुल डिस्चार्ज होने तक भी चलाएंगे तब भी ये चल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल गाड़ी है गाइस ये पेट्रोल स्कूटर के कंपेयर। इसमें किसी टाइप की आपको वाइब्रेशन नहीं मिलती, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। कंफर्ट में तो गाइस ये A1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिससे डेली मेरा पीठ का हाल बेहाल हो जाता था और इस स्कूटर के आने के बाद ही आप मान सकते हैं मेरे पीठ को सुकून मिला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका EV इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में। मेरे पास TVS iQube S वेरिएंट है। ये वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाला है और आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, इसका कंफर्ट कैसा है, इसके ब्रेकिंग कैसे हैं, इसका परफॉर्मेंस और पिकअप कैसा है और पांचवी चीज़ इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसा है। ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में और इसके मोटर से रिलेटेड इशू जो कि मुझे पता चली है अभी तक। और ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बार इसका ओडोमीटर भी बता देता हूँ। तो आप देख सकते कुछ इस टाइप का स्क्रीन में शो कर रहा है, साइड स्टैंड लगा है इस वजह से ये ऐसा शो कर रहा है। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हमें साइड स्टैंड को हटाना कंपलसरी है। साइड स्टैंड से हटने के बाद ही ये गाड़ी चलने के लिए रेडी होती है। और एक और चीज़, खड़ी धूप के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है तो आप गाइस एडजस्ट कर लेना। स्कूटर को स्टार्ट करने से पहले ब्रेक और पावर बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। iQube में बैटरी परसेंटेज यहाँ पे बताता है और इसकी रेंज यहाँ पे बताता है और उसके ठीक नीचे स्कूटर का किलोमीटर बताता है, अभी तक स्कूटर कितने किलोमीटर चली है। और ये जो डंडी है ये बैटरी लेवल शो करता है स्कूटर की, बैटरी कितनी भरी है वो बताता है इसमें। और अभी इस स्कूटर को मैं 11,077 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला चुका हूँ, यानी कि काफ़ी चला लिया है मैंने इस स्कूटर को, तब जाके मैं ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। पहली बात गाइस, इसकी टॉप स्पीड ओला जितनी तो नहीं है, 117 किलोमीटर की टॉप स्पीड, बट इसका पिकअप जो है काफ़ी अच्छा है। जैसे आप एक्सलेट करते हैं झट से पिकअप पकड़ लेती है गाड़ी, जिससे पिकअप का आपको काफ़ी अच्छा फील मिलता है। और ये फील ऐसा है जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स स्कूटर चला रहे हो। ये अब अपनी टॉप स्पीड पे आ चुकी है। इको पे इसकी टॉप स्पीड 50 KMPH तक ही रहती है और कुछ हद तक बैटरी परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा पिकअप भी दिखा देता हूँ इसका, देखिए कितनी स्पीड से ये पिकअप लेता है। जैसे ही रेस देते हैं आप वैसे ही धक्का सा फील होता है आपको स्कूटर पे। ओला के कंपेयर इसका एक प्लस पॉइंट जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस स्कूटर का, और वो ये है कि अगर आप इसको फुल चार्ज करके कंटिन्यू 80 की स्पीड में फुल डिस्चार्ज होने तक भी चलाएंगे तब भी ये चल जाएगी बिना हीट से रिलेटेड परेशानी के, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके उलट ओला में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसको हाइपर मोड में 5-10 किलोमीटर भी चलाते हैं तो उसकी मोटर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में स्विच कर जाती है स्कूटर। और हाँ, ये बात भी है कि डेली लाइफ में हाइपर मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आपका घर कहीं पहाड़ी वाली जगह या कहीं ऊंची वाली जगह पे है तब आपके लिए मेरे ख्याल से ओला प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं रहेगी आपके लिए। और अब मैं आपको इसकी स्पीड भी दिखा देता हूँ ज़रा। तो गाइस अभी तो मैं आपको इतनी टॉप स्पीड बता पाया इसकी, बट इसकी और भी जाती है, 85 तक भी चली जाती है इसकी टॉप स्पीड। बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, वो बैटरी ज़्यादा चार्ज होने पर ज़्यादा टॉप स्पीड आपको मिल जाती है इसमें, 85 के ऊपर ही जाती है, 90 तक भी टच हो सकती है सिंगल पर्सन पे। और दूसरी चीज़, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल गाड़ी है गाइस ये पेट्रोल स्कूटर के कंपेयर। इसमें किसी टाइप की आपको वाइब्रेशन नहीं मिलती, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। इस वजह से अगर आप इसको 80 की स्पीड में भी चलाते हैं तब भी पूरा कंट्रोल आपके हाथों में रहता है, आप कहीं से भी कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करते हैं। और ओवरऑल कहूँ तो राइड में आपको काफ़ी मज़ा आता है। और अब बात कर लेते हैं इसके रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की।
तो जैसे ही आप इसको एक्सेलेटर देना बंद करते हैं, वैसे ही आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और बैटरी चार्ज होती जाती है। और इसका जो रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो 5 से ऊपर की स्पीड में ही काम करता है, जो कि आप देख सकते हैं 5 की स्पीड या 5 से कम स्पीड होने पर इसका रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। देखना गाइस, तो आप देख सकते हैं जैसे इसकी 5 की स्पीड आई वैसे इसने रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को ऑफ कर दिया। इस तरीके से देखा जाए तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा फीचर है, जिससे कि डेफिनेटली आपकी रेंज ज़्यादा तो नहीं बट कुछ अमाउंट में तो बढ़ती ही है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेक की। तो इसमें आपको आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। पीछे भी अगर डिस्क ब्रेक दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट ड्रम ब्रेक भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक मिलता है। इसका डिस्क ब्रेक तो भाई लाजवाब है, जहाँ आप ब्रेक मारते हैं गाड़ी वहीं पर रुकने को देखती है। और बात करते हैं इसके पीछे वाले ब्रेक की, ड्रम ब्रेक की, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है इसके मोटर के आगे, क्योंकि इसकी मोटर का इनिशियल पिकअप काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए पीछे भी अगर डिस्क ब्रेक होता तो ज़्यादा बेटर होता। गाइस इस स्कूटर को आप चलते हुए इको मोड से पावर मोड में भी ले जा सकते हैं, और चलते हुए ही पावर मोड से इको मोड में भी ला सकते हैं स्कूटर को। पावर मोड में इसका कलर रेड होता है और इको मोड में इसका कलर ग्रीन होता है। और एक और चीज़ है गाइस, जो इस स्कूटर को चलाते हुए मुझे पता चली है, आप इसको चलते हुए पावर मोड में तो लगा सकते हैं, लेकिन पावर मोड से इको मोड में लगाने के लिए इसकी स्पीड 45 या 45 से कम होना कंपलसरी है। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने पावर बटन दबा दिया है, अब भी गाड़ी पावर मोड पर ही है। और अब मैं इसकी 45 से कम की स्पीड में इसको लगाऊंगा, और देखिए पावर मोड से हट गई है स्कूटर, इको मोड में आ गई है। तो कुछ इस टाइप से काम करता है इसका इको और पावर मोड। और गाइस अब बात कर लेते हैं इसके राइड क्वालिटी और कंफर्ट की। कंफर्ट में तो गाइस ये A1 इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें आपको कंफर्ट के मामले में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे एक जुपिटर भी है, और उसकी जो सबसे बड़ी परेशानी मुझे लगती थी, उसको मैं ज़्यादा चलाता था तो मेरी पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था गाइस। और मेरी जॉब भी कुछ इस टाइप की है जिसमें कि मेरे को 40 से 60 किलोमीटर डेली का रनिंग होता है, जिससे डेली मेरा पीठ का हाल बेहाल हो जाता था। और इस स्कूटर के आने के बाद ही आप मान सकते हैं मेरे पीठ को सुकून मिला है। अगर आप भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं तब आप iQube ले सकते हैं। यकीन मानिए पेट्रोल स्कूटर के कंपैरिजन काफ़ी अच्छी सेटिंग पोजीशन है इसकी, और कंफर्टेबल भी है, जैसे कि आप थकते नहीं है स्कूटर चला चला के पेट्रोल स्कूटर के कंपेयर। गाइस ये मैंने इसका साइड स्टैंड खोल लिया है, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक साइड स्टैंड नहीं हटाएंगे, और साइड स्टैंड हटाने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये इसका फीचर है, काफ़ी सही है, लेकिन ये फीचर इतना टिकाऊ नहीं है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में दूसरी कोई वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।